मंगलवार को दुर्गापुर समेत पूरे शिल्पांचल में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इसी अवसर पर दुर्गापुर ओल्ड कोर्ट इलाके में कृपा मूर्ति हनुमान मंदिर समिति की तरफ से हनुमान जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ ही 24 घंटे के हरि कीर्तन का शुभारम्भ हुआ। मंगलवार को दुर्गापुर समेत पूरे शिल्पांचल में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। वहीं दुर्गापुर के ओल्ड कोर्ट इलाके में कृपा मूर्ति हनुमान मंदिर समिति के तरफ से हनुमान जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृपा मूर्ति हनुमान मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। श्री हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ की गई। भगवान श्री राम के परम भक्त एवं पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर में 24 घंटे के अखंड हरि कीर्तन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान तमाम भक्तों ने श्री हनुमान जी का जय जयकार किया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। भक्तों में भारी उत्साह व उल्लास देखा गया। हनुमान जयंती के अवसर पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा का भक्तों को वर्ष भर बेसब्री से इंतजार रहता है, परंतु इस बार एक दुखद घटना की वजह से शोभा यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। कृपा मूर्ति हनुमान मंदिर समिति की तरफ से रामलखन सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 14 वर्षों से कृपा मूर्ति हनुमान मंदिर में प्रत्येक वर्ष श्री हनुमान जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है और विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, परंतु इस बार एक दुखद घटना की वजह से शोभा यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर में विधिवत पूजा पाठ के साथ ही अखंड हरि कीर्तन शुरू हुआ है। बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। 12 साल से यहाँ पर पूजा हो रही है और हर साल की भांति इस बार भी पूरे मंदिर के लिए हमारा कोटमोल मिला के शुरू अष्टजाम अभी पूजा हुई है। पूजा के बाद अष्टजाम होती है, हर कीर्तन होता है और शाम को हर साल की भांति एक बहुत बड़ा विशाल रैली भी निकलती है। लेकिन आज हमारे ही इलाका के एक नवयुवक की पथ दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण इस शोकाकुल में इस शोक के कारण हम लोग आज इस रैली को रद्द करते हैं और हर साल की भांति नॉर्मल जो कार्यक्रम है वो होती रहे। और कल जाके भंडारा है शाम में और उसके बाद भी और कुछ प्रोग्राम है जो कि सांस्कृतिक प्रोग्राम जो रात में चलेंगे। तो कितने साल से हो रहा है यहाँ? ये लगभग 14 से 15 साल हो गए। तो कहाँ कहाँ से मतलब लोग इसमें सम्मिलित होते हैं? इसमें लोग बाहर के कुछ ही दो चार जो हमारे मित्र साथी हैं वो लोग आते हैं, नहीं तो ये पूरे नतुनपल्ली के ही लोग, नतुनपल्ली कोर्ट मोड़ यही इलाके के लोग लगभग सम्मिलित रहते हैं। इस अवसर पर कृपा मूर्ति हनुमान मंदिर समिति के अध्यक्ष संजीव पांडे, सचिव नंदकिशोर यादव, शिव बदन सिंह, शंकर राय, संजय यादव, धर्मेंद्र सिंह, अशोक कुमार सिंह, ब्रजेश पांडे, विनोद पांडे, दिनेश सिंह व अंशु उपाध्याय समेत तमाम सदस्य उपस्थित थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन, घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम, नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है NSB रोड रानीगंज, अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।